हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आपको तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जहां पर आपको सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक, आदेशिका वाहक और भृत्य फर्रास के लिए टोटल 21 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जो कि कुटुंब न्यायालय जिला दुर्ग के अंतर्गत 7 जुलाई 2023 को यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इन पदों के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो आप इन पदों पर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भारत के नागरिकों के द्वारा आमंत्रित किया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे भी राज्य के उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए 7 पोस्ट हैं, वाहन चालक के लिए 3 पोस्ट हैं, आदेशिका वाहक के लिए 3 हैं, भृत्य फर्रास के लिए 8 पोस्ट हैं, यानी कि टोटल यहाँ पर आपको 21 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है, जहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि इनके पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, और जो आरक्षित पद दिए गए हैं उनमें केवल और केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही आरक्षित हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके सैलरी और शैक्षणिक योग्यताओं की। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर 19,500 से लेकर 62,000 रुपये की सैलरी रखी गई है। वहीं पर शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनको 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और अनारक्षित वर्गों के लिए 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है। साथ में एक वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए, जिसमें एमएस वर्ड या इंटरनेट या कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए, जिसके संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। वाहन चालक की बात करें तो लेवल 4 के आधार पर 19,500 से लेकर 62,000 रुपये की सैलरी रखी गई है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास हल्के वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने नोट दिया हुआ है कि शासकीय, अशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में जो कार्यरत अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आदेशिका वाहक की बात करें तो मैट्रिक लेवल 3 के आधार पर 18,000 से लेकर 56,900 रुपये की सैलरी रखी गई है और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। भृत्य फर्रास की बात करें तो यहाँ पर देखिए, मैट्रिक लेवल 1 के आधार पर 15,600 से लेकर 49,400 रुपये की सैलरी रखी गई है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि 12वीं से अधिक योग्यताधारी जो उम्मीदवार होंगे उनके आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप भृत्य फर्रास के लिए आवेदन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास होंगे तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास 12वीं लेवल की योग्यता है तो आप इन पदों पर आवेदन नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई और अन्य कार्य के अनुभव हैं तो उन उम्मीदवारों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उनके एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष हो चुकी हो और 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को शासन के निर्देशानुसार छूट दिया गया है, यानी कि सभी को मिलाकर 45 वर्ष से ज़्यादा छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के जो आवेदक होंगे उनकी अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर आयु से संबंधित छूट पाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। और दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, इनके द्वारा जो प्रपत्र दिया गया है, जो इसी जो नोटिफिकेशन के PDF फाइल में मिल जाएगा, उसे सावधानीपूर्वक भरने के बाद 31 जुलाई 2023 तक एक बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आपको आवेदित पद का नाम और आवेदित वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है, उसे आपको प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करना होगा। ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई 2023 संध्या 5 बजे के बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साथ में आवेदन पत्र के साथ पदों के आधार पर आपके पास जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके संलग्न करना है। और अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भी भरना होगा। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर पदों की संख्या से 30 गुना आवेदन प्राप्त होते हैं तो उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और अगर पदों की संख्या से 30 गुना अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो 10वीं, 12वीं और स्नातक परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे उनके औसत के आधार पर प्रवीण सूची तैयार की जाएगी, जिन पदों के 30 गुना परीक्षार्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जिनके एडमिट कार्ड की बात करें तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसका आप निरंतर चेकआउट करते रहिएगा, जिसमें आपको ID प्रूफ के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्मार्ट कार्ड लेकर आपको उपस्थित होना होगा। और यहाँ पर उल्लेखित पदों के चयन के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिन कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार किया जाएगा। वाहन चालक की बात करें तो इनका प्रायोगिक परीक्षा यानी कि दक्षता या कौशल परीक्षा ली जाएगी, जो 50 अंकों की होगी। इसमें भी वही कंडीशन दिया गया है, यानी कि जो 30 गुना अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन 30 गुना से ज़्यादा अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो अनुभव के आधार पर प्रवीण सूची तैयार की जाएगी, जो कि रिक्त पदों के 30 गुना परीक्षार्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
इसी का वहाँ की बात करें तो चयन प्रक्रिया जो गठित चयन समिति होंगे उनके द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिनकी सूचना इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसे आपको चेकआउट करना है। भृत्य फर्राज की बात करें तो कौशल और शारीरिक परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर लिया जाएगा, जो कि 50 अंकों की कौशल या शारीरिक परीक्षा या साक्षात्कार ली जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता और कार्य कुशलता आदि के बारे में परखा जाएगा। जहां पर कौशल परीक्षा और शारीरिक परीक्षा या साक्षात्कार के लिए जो प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी, जिनमें उपस्थित होने के लिए आपको पहचान पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्मार्ट कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा। और दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति के चयन विधि का इंस्ट्रक्शन दी गई है और यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण टिप दी गई हैं जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल में आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, इसे आपको सावधानीपूर्वक भरने के बाद इनके कार्यालय में जमा करना होगा। तो दोस्तों यह रही कुटुंब न्यायालय जिला दुर्ग के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।